नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत में पत्रकारों के सबसे विशाल संगठन ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन आरा एसोसिएशन का 7वां स्थापना दिवस शुक्रवार को जय भगवान गेस्ट हाउस काकादेव में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी का आगाज दीप प्रज्वलित करके किया गया। आयरा से जुड़े सैकड़ों पत्रकारों ने प्रसन्नतापूर्वक आयरा का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए आयरा के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव पुरित निगम, राष्ट्रीय संगठन मंत्री योगेंद्र अग्निहोत्री, प्रदेश महासचिव अविनाश श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता फैसल हयात, आयरा सलाहकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव गोपाल गुप्ता एवं डॉक्टर विपिन कुमार शुक्ला, प्रदेश संगठन मंत्री मोहम्मद नदीम, प्रदेश संयुक्त मंत्री संजय शर्मा, प्रदेश सलाहकार समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक पाठक, प्रदेश अनुशासन परिषद के अध्यक्ष सीलू शुक्ला, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष आशीष त्रिपाठी आदि वक्ताओं ने आयरा की स्थापना और उद्देश्यों के विषय में बताया और कहा कि मात्र 7 वर्ष में आयरा ने जो मुकाम हासिल किया है वो दूसरे संगठन 20 साल में भी नहीं हासिल कर पाते हैं। कहा कि आयरा एकलौता ऐसा संगठन है जो निस्वार्थ भाव से बगैर किसी लाभ की अपेक्षा के पत्रकारों के हित के लिए कार्य करता है। वक्ताओं ने पत्रकारों के हितों के लिए संगठन की मजबूती संबंधी कई अहम सुझाव दिए। इस अवसर पर बंगलुरु निवासी वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और आयरा के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर तारिक चकी ने फोन पर गोष्ठी को संबोधित किया और सभी आयरा सदस्यों को बधाई दी और आयरा की आगामी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन गोपाल गुप्ता ने किया। स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में आयरा से जुड़े सैकड़ों पत्रकारों ने शिरकत की और अपनी एकता और आपसी प्रेम का परिचय दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।